हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक शिक्षण का वीडियो नंबर सेकंड है ये 700। देखिए इस पे टोटल ओवरऑल जो है 700 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 700 सीरीज़ हम लोग इसको बोलेंगे, बाकी 600 सीरीज़ है वो। तो इस पे हम लोग देखेंगे 75 से लेके ओवरऑल 142 हैं। ये थोड़ा सा कटा हुआ था, पेज सही नहीं थे ये तो 142 क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज दो SST की वीडियो मैं डालूंगा, जिसमें से पहली ये आ गई और दूसरी वाली कोशिश करेंगे दोपहर में या फिर शाम को एक अपलोड कर दें, जिससे कि पैडागॉजी सब्जेक्ट ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो रॉबर्ट मैगर विधि भी है और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि भी है। फिर निम्न में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशों को व्यावहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया। तो किसने किया था, रॉबर्ट मिलर ने करा था ये। और फिर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में अधिक रुचि दी। तो किसने करी थी, ये रॉबर्ट मैगर ने। और निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली। तो क्या हो जाएगा इसका, रॉबर्ट मैगर ने, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो इससे आएगा, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की अधिक रुचि किसने ली, रॉबर्ट मिलर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस जो है, मिलर और मैगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, और इस पे दिया गया आर्थिक कुशलता का विकास उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च माध्यमिक स्तर। और टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन हैं, तो ब्लूम हो जाएंगे। और RCEM संबंधी है तो किससे, हाँ किससे संबंधी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक के वर्गीकरण से। और प्राप्य उद्देश्य होते हैं क्या, होते हैं विशिष्ट होते हैं। और फिर इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, स्थानीय अर्थशास्त्र भी है, प्रांतीय भी है और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी है। फिर है अर्थशास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक वस्तुएं, मौखिक वस्तुएं, लिखित एवं सुमुद्रित वस्तुएं, ले अभिलेख। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन हो जाएगा इसका आंसर। 86 में दिया गया, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहाव लोकंस हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परियोजना विधि भी है, समस्या समाधान भी है, सहपाठी शिक्षण भी है। तो सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो व्याख्यान विधि हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और सही कौन सा हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा इसका आंसर। और फिर इसके बाद है 87 में, NCF ठीक है 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे, ए ऑप्शन हो जाएगा, समाज में शांति का आधार बना रहे। और यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, जॉन डीवी के द्वारा दिए गए प्रवर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन सा समाहित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरंभ। और फिर क्वेश्चन दिया गया है 89 में, निम्नांकित में से कौन सा चरण हार्वर्ड उपागम से एवं मॉरिसन उपागम में समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखें। और फिर निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी विषय विकल्प सही हैं। तो अभिनय भी हो सकता है, और अभिनय भी है, और व्यक्तिक भी है, व्यक्तिक कार्य और सामूहिक कार्य भी है। फिर इसके बाद दिया गया 92 में, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है, शिक्षण में, शैक्षिक निर्देशन सेवा, परामर्श में और परीक्षा कार्य में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए जो विद्यार्थी के लिए लाभदायक हो। और फिर इसके बाद दिया गया 94 में, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम
वाय प्रणाली में शिक्षण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण से शिक्षण कराना, और हर्बर्टियंस विधि का एक दोष नहीं है तो आंसर हो जाएगा यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर है 97 में शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। फिर है पढ़ना सिखाने के लिए सहचार्य प्रणाली का निर्माण किसने किया तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी ने। और फिर है इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है तो इकाई विधि का कथन या कथन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थॉमस एम रिक्स। फिर है यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने की को दी जाए जिसका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, और यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा संघ विधि, ठीक है संसर्ग विधि हो जाएगा। औद्वयभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक कक्षाएं, और सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत को प्रतिमान है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सामाजिक प्रस्ता प्रतिमान भी है, जूरिस पुंटेसर तथा प्रयोगशाला विधि प्रतिमान भी है, और सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान भी है। क्वेश्चन नंबर 103 शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, कक्षा के आकार की अनुभूति, सीखने वालों का निदान, और क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण में क्रिया तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया सम्मिलित है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रेरक का चयन एवं प्रस्तुतिकरण और पृष्ठपोषण से तथा पुनर्बलन और शिक्षण युक्तियों का विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 105 और इस पर दिया गया शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया का विशेष ध्यान दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, शिक्षक द्वारा व्यवहार से परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन, और प्राप्य साक्षियों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। फिर है शिक्षण का स्तर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, स्मृति भी है, बोध भी है और चिंतन भी है, ठीक है तो शिक्षण का स्तर का क्या क्या हो जाएगा स्मृति बोध और चिंतन तो डी ऑप्शन इसका सही है। और शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्मृति स्तर। और फिर है शिक्षण का अंतिम स्तर है तो अंतिम स्तर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन चिंतन स्तर। प्रारंभिक स्तर क्या हो जाएगा याद रखिएगा स्मृति स्तर है और जो अंतिम है वो चिंतन है, ठीक है तो चिंतन बिल्कुल आखिरी में होता है जब कुछ मतलब कि अब चिंतन के देख लीजिए चिंतन लास्ट हो जाएगा बिल्कुल वो। और फिर सूक्ष्म शिक्षण का विकास सन 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा DLN ने। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है मतलब कि प्रैक्टिस कर चुके हम लोग। और किसने कहा था सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है तो इसका आंसर हो जाएगा DLN। और सूक्ष्म शिक्षण के विषय में पूर्व धारणाएँ हैं तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगी कि क्या क्या बोला गया है या वास्तविक शिक्षण है तथा इसके द्वारा शिक्षा की जटिलता को कम किया जा सकता है या पूर्ण रूपेण से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इस विधि द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है तथा प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया 112 नंबर में सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या क्या है पाठ्यक्रम को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है, कक्षा में 10 विद्यार्थी होते और शिक्षा अवधि जो होती है 5 से 20 मिनट। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे 5 से 10 मिनट, चलिए देखते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 113 नंबर सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन से दी पाठ्य योजना समूह 40 छात्रों का अर्थात दीर्घ समूह है। और 114 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का गुण है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से इसके अंतर्गत छात्रों की संख्या कम तथा शिक्षण अवधि भी कम होती है और इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का पर ध्यान दिया जाता है। और सी में दिया गया है इसमें तात्कालिक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। फिर इसके बाद दिया गया 115 में सूक्ष्म शिक्षण की सीमा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन
सूक्ष्म शिक्षा से प्रयोगशाला में व्यवस्था करना महंगा पड़ता है। यह विधि स्वयं में संपूर्ण विधि नहीं है तथा इसके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है और प्रशिक्षित शिक्षकों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद 116 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है तो क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा या व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सफल विधि है और इसके द्वारा विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाता है और फिर इस विधि में तात्कालिक प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है शिक्षण विधियों के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, शिक्षण विधियां परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इसके मूल्यांकन का मापदंड पाठ्य वस्तु का स्वामित्व माना जाता है और इसका मुख्य लक्ष्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना है। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण नीतियाँ के प्रकार हैं तो क्या हो जाएगा, प्रभुत्ववादी और जनतांत्रिक नीतियाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर इसके बाद प्रभुत्ववादी नीति नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा खोज नीति। फिर है जनतांत्रिक नीति शिक्षण नीति नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन और जनतांत्रिक शिक्षण नीति है, यहाँ पर है पूछा गया तो ये सभी हो जाएगा, पाठ अभिनय भी हो जाएगा, खोज एवं अन्वेषण और गृह कार्य एवं ट्यूटोरियल भी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है ट्यूटोरियल का प्रकार है, ट्यूटोरियल का प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएगा, निरीक्षण से युक्त अनुवर्ग और सामूहिक अनुवर्ग और प्रयोगात्मक अनुवर्ग। फिर वाद विवाद का प्रकार है तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर है टीम शिक्षण का सर्वप्रथम सन 1955 में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो टीम शिक्षण याद रखिएगा, टीम शिक्षण का कहाँ हुआ था, ऑक्सफोर्ड में हुआ था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, शिक्षण जो हमारा शिक्षण वाला था उसका हुआ था। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का। और फिर इसके बाद है 125 में टोली शिक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यह सहकारिता पर आधारित है, इनमें दो या दो से अधिक शिक्षक कार्य में भाग लेते हैं और इसमें शिक्षण का उत्तरदायित्व तो एक ही शिक्षक ना होकर संपूर्ण टोली का होना है। ठीक है, और फिर इसके बाद है 126 में टोली शिक्षक का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। और फिर है 127 में टोली शिक्षक से प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो इसका आंसर देखिए ये मैंने इस पर टिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवस्था करना। और टोली शिक्षक का लाभ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, से अनुदेशन से एवं से गुणवत्ता एवं से लचीलापन और समूहों का अधिक विशेषज्ञों से सामना और शिक्षक के व्यवसायिक स्तर का विकास एवं स्वतंत्र बहस के अवसर। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। और फिर टोली विधि की सीमा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, से कम खर्चीली विधि है। और भाषण विधि के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो भाषण विधि जो है दो मार्गी विधि है। और फिर इसके बाद है 131 में सामूहिक वाद विवाद के प्रतिपादक कौन है, तो हैरी ए आवर स्ट्रीट हो जाएंगे। और सामूहिक वाद विवाद विधि का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समस्या का विश्लेषण से एवं सूचना तथा तथ्य प्रदान करना और मूल्यों का निर्धारण करना और साधारण का मनोरंजन। फिर इसके बाद है 133 में सामूहिक वाद विवाद का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार हो जाएगा इस पर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक सार्वजनिक सामूहिक वाद विवाद और शैक्षिक सामूहिक वाद विवाद। फिर नेक्स्ट है सामूहिक वाद विवाद का सैद्धांतिक आधार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन 135 में दिया गया है सामूहिक वाद विवाद का उपयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन और ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति और ज्ञान वृद्धि के साथ साथ छात्रों में समस्या समाधान तर्क शक्ति आलोचना करने क्षमताओं तथा दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्तियां का विकास। ठीक है, फिर इसके बाद है सामूहिक वाद विवाद की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, इससे समस्या समाधान की क्षमता एवं प्रवृत्तियों का विकास होता है, इससे छात्रों में सही दृष्टिकोण और अभिव्यक्तियों तथा दूसरों के विरोधी
विचारों के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है और इससे छात्रों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक विश्लेषण से विवेचन की क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। और फिर विचार गोष्ठी प्रवृत्ति का उद्देश्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, विश्लेषण संश्लेषण से आलोचनात्मक क्षमताओं तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास। फिर है अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार से तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास। और फिर है इससे अपना दृष्टिकोण रखने, स्पष्टीकरण से मांगने के व्यवहारों का विकास होना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फिर है 138 में विचार गोष्ठी का प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, लघु तथा मुख्य विचार गोष्ठी भी है, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी भी है, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी भी है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 में सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण को एक प्रयोगशाली एवं वैश्लैषिक विधि नहीं है ये। और किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार और व कक्षा अवधि में न्यूनतम अनुमाप है, तो किसका है ये, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का है ये। फिर सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षण प्रशिक्षण की वैश्विक विधि नहीं है। और फिर क्वेश्चन नंबर 142 है सूक्ष्म शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अभ्यास से प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशल साइंस मतलब सामाजिक शिक्षा का वीडियो नंबर सेकंड है ये। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम लोगों ने कितने 142 क्वेश्चन से देख लिए, फिर इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे क्या, हर पर डे हम लोग दो वीडियो उसको कम से कम दो वीडियो डालेंगे जिससे कि ये कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये पेंडिंग पे हो गया था। पेंडिंग का मतलब है कि हमारा ज़्यादा मैंने फोकस कर लिया था साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं, इसको थोड़ा सा कम दिया था मैंने टाइम भी, ये संबंधित दिए ही नहीं इसको बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट में, और मुझे ध्यान भी नहीं था सही बताया तो, क्योंकि उस वाले में ज़्यादा फोकस था हमारा इसीलिए। और फिर मुझे याद आया, अरे मेरे पास तो अभी ये भी तो कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले पहले हम क्वेश्चंस बहुत सारे दे देंगे आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।